हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो 12th क्लास ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का 9वां चैप्टर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दोस्तों, ये वीडियो इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। इससे पहले भी हम दो पार्ट कर चुके हैं, और अगर अभी तक आपने वो दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन दो पार्ट्स को देख सकते हैं 9.1 और 9.2 के नाम से। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है 9.3 और इस चैप्टर का तीसरा पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रादेशिक व्यापार समूह के बारे में कि प्रादेशिक व्यापार समूह का क्या अर्थ होता है और ये विश्व में कितने कितने प्रकार के हैं। एक दो के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आसियान, साफ्टा, CIS। तो ये जो है ये सब प्रादेशिक व्यापार समूह हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब देशों ने किया तो उसका देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या लाभ हुए, क्या हानियां हुई। तो वो हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामलों के अंदर। और इसके बाद दोस्तों लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा पत्तन। तो पत्तन के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या होते हैं पत्तन, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो हमारा इन टॉपिकों से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और नोट्स के जरिए समझेंगे कि पत्तन क्या होते हैं, कितने आधारों पर इनको बांटा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, और लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा प्रादेशिक व्यापार समूह किसे कहते हैं और इसके कुछ उदाहरण। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के नोट्स को चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में से इस 9.3 के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा जो है वो है 12वां क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चन है वो हम लगभग दो पार्ट्स के अंदर कर चुके हैं, तो आज 12वें क्वेश्चन हमारा इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, जो कि है प्रादेशिक व्यापार समूह से आप क्या समझते हैं। दोस्तों देखो, जो आर्थिक संबंध होते हैं किसी भी देश के, वो व्यापारिक संबंध ही होते हैं। एक देश दूसरे देश से किस प्रकार के व्यापार करता है, तो इन संबंधों को सुधारने के लिए जो निकटवर्ती हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश होते हैं वो मिलकर एक व्यापारिक समझौता कर लेते हैं और एक व्यापारिक संगठन बना लेते हैं। दोस्तों, इसी व्यापारिक संगठन को बोला जाता है प्रादेशिक व्यापार समूह। अब आपको मैं यहाँ पर एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि आर्थिक संबंधों या फिर व्यापारिक संबंधों को सुधारने के लिए भौगोलिक रूप से निकटवर्ती देश, जो आसपास के देश हैं, वो एक व्यापारिक व्यापार समूह या फिर प्रादेशिक व्यापार समूह कहते हैं। तो आपने यहाँ पर जाना कि भौगोलिक रूप से जो आसपास के देश हैं वो मिलकर एक समझौता करते हैं और व्यापारिक संगठन बनाते हैं, जिस व्यापारिक संगठन को प्रादेशिक व्यापार समूह कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि आसियान, यूरोपीय संघ, साफ्टा। साफ्टा जो है वो सार्क के सदस्य देशों का है, ठीक है, और बाकी है CIS, नाफ्टा और OPEC। तो यहाँ पर हमारी बुक के अंदर ये टॉपिक्स हमें मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आज विश्व के अंदर लगभग 120 प्रादेशिक व्यापार समूह हैं, जिनमें से यहाँ पर ये कुछ इनके उदाहरण हैं। तो आपको इनमें से एक दो के बारे में मैं बता देता हूँ, बाकी के बारे में आपको खुद पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आसियान से। दोस्तों, आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में और ये इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। दोस्तों, आज आसियान के लगभग 10 सदस्य देश हैं, जिनमें जो वस्तुओं का व्यापार होता है उनमें रबड़, चावल, कोयला, कॉफ़ी, तेल आदि प्रमुख हैं। चलिए दोस्तों, एक अपना अड़ोसी पड़ोसी बता देता हूँ, जो कि है साफ्टा। साफ्टा जो है वो जो समझौता हुआ है वो हुआ है सार्क के सदस्य देशों के बीच। अब सार्क की फुल फॉर्म आपको मेरे को बतानी है कमेंट करके कि आखिर क्या मतलब होता है सार्क का। दोस्तों, आज सार्क के 8 सदस्य देश हैं, जिन्होंने 2006 में साफ्टा नामक एक एग्रीमेंट किया, जिसके तहत उन देशों के बीच में मुक्त व्यापार किया जाएगा और व्यापारिक करों में कटौती कर दी जाएगी। इसी समझौते को साफ्टा के नाम से जाना जाता है। साफ्टा की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ही हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं, जिसके तहत किसी भी दो देशों के बीच में जो व्यापार किया जा रहा है उसमें सीमा शुल्कों में कमी कर दी जाएगी या फिर सीमा शुल्कों को हटा दिया जाएगा। इसी समझौते को कहा गया साफ्टा। किन के देशों के बीच हुआ? दोस्तों, ये हुआ था सार्क के सदस्य देशों के बीच। यहाँ पर 7 सदस्य देशों के नाम लिखे हुए हैं और एक और है जो कि है अफगानिस्तान।
तो दोस्तों ये 8 सदस्य देश हैं जो कि हैं सार्क के सदस्य देश, यानी कि दक्षिण एशिया के सदस्य देश। चलिए दोस्तों ये था साफ्टा, बाकी के देशों के बारे में आपको खुद पढ़ना है, बाकी ये जितने भी व्यापारिक संघ हैं इन सबको आपको खुद देखना है, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। यहाँ पर है यूरोपीय संघ का, ठीक है, यहाँ पर है नाफ्टा जो कि है नॉर्थ अमेरिका का, और इसके अलावा ये है CIS, ठीक है, तो ये सब आपको खुद देखने हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामलों से रिलेटेड, जो टॉपिक अभी मैंने आपको चैप्टर में दिखाया था। दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे दो क्वेश्चन आते हैं, या तो आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामलों का वर्णन कीजिए, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या हैं और हानि क्या है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि किसी भी चीज़ का मामला या मुद्दा अगर होता है तो उसका दो प्रभाव पड़ते हैं, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, यानी कि या तो उसका लाभ होएगा या फिर उसका हानि होएगी। तो दोस्तों यही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, जिसके अंदर देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, संबंधित मामलों में हम पढ़ते हैं इसके लाभ और इसकी हानियां। तो उसी के बेस पर मैंने इसका आंसर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामलों का वर्णन निम्नलिखित है, जिसमें नंबर 1 है हमारा लाभ और नंबर 2 है हानियां। तो दोस्तों लाभ की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो देशों के बीच हुआ उससे प्रादेशिक विशिष्टीकरण आ गया। अब ये विशिष्टीकरण क्या है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्पेशलाइजेशन। अब आप मानिए कि भारत एक चीज़ का उत्पादन कर रहा है और पूरा विश्व भारत से ही उस चीज़ को खरीद रहा है, तो भारत इस चीज़ में विशिष्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे कि सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र अगर आप भारत से ले रहे हैं या फिर खादी वस्त्र को केवल आप भारत से ले रहे हैं और भारत ही इसका उत्पादन करके अन्य देशों में इसको बेच रहा है, तो खादी के मामले में भारत स्पेशलाइज हो जाएगा, यानी कि विशिष्टीकरण आ जाएगा। तो इससे पहला का फ़ायदा क्या होता है कि देशों के बीच विशिष्टीकरण आ गया, और अब जो देश उसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से बना सकता है, अच्छी क्वालिटी में बना सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सभी देश उसी देश से खरीदते हैं, क्योंकि उससे अच्छी क्वालिटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो इस मामले में स्पेशलाइज है। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन के उच्च स्तर के लिए प्रेरित करता है। अब आप मानिए दोस्तों कि आप अपने देश के अंदर उत्पादन कर रहे हैं और आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर आपका उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो आपके देश के अंदर तो खरीदने वाले लोग उतने ही हैं जितना पहले खरीदते थे, तो आप बचे हुए माल का क्या करेंगे। अगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो आप उनको दूसरे देशों में बेच सकते हैं, तो इसीलिए ये आपको प्रेरित करेगा कि आप उत्पादन का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कीजिए और उसको दूसरे देशों में बेचिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा उत्पादन के लिए आपको प्रेरित करेगा। दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि ये जो व्यापार है ये वस्तुओं तथा सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता को बढ़ाता है। यहाँ पर आप क्या है कि विश्व स्तर पर आपके लिए जो वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आपके देश के अंदर उत्पादन नहीं भी हो पाया है या फिर उत्पादन कम रह गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए आपके देश के लिए भी वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैं, यानी कि वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा आप दूसरे देश से वस्तुओं को खरीद सकते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, भारत में 1960 के दशक में खाद्य संकट आया हुआ था। खाद्य संकट के दौर में भारत ने अमेरिका और विदेशी देशों से खाद्य सामग्री का आयात किया था। यहाँ पर भारत में खाद्य सामग्री की कमी थी, तो इसीलिए जो वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध हुई किसके कारण हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण। तो यह है तीसरा पॉइंट कि ये जो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाता है। दोस्तों बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की प्राप्ति होती है। आपको जो वस्तुएं मिलती हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि बेटर होती है। जब आप अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो आपके रहन सहन में परिवर्तन आएगा, या फिर दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहूँ कि आपके जीवन स्तर में सुधार आता है। तो ये यहाँ पर इसके चार फायदे हमने पढ़े कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप उस वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइज हो जाते हैं, यानी कि विशिष्टीकरण हो जाते हैं। ये आपको और उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ती है हमारे लिए, और इसके अलावा आपके जीवन स्तर में सुधार आता है, क्योंकि आपको जो वस्तुएँ मिलती हैं उनकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता बेहतर होती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हानियों की।
दोस्तों यहाँ पर हानि क्या हुई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप दूसरे देश पर निर्भर हो गए। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आज जो भारत है वो लगभग चाइना पर आश्रित हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो हम चाइना के देश से खरीदते हैं। दोस्तों चाइना से ही हमारी दिवाली बनती है, चाइना से ही हमारी होली बनती है, तो हम दूसरे देशों पर निर्भर हो गए हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसकी दूसरी हानि की। दूसरी हानि इसकी ये थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया गया उससे देशों के अंदर जो विकास हुआ, देश के अंदर जो क्षेत्र में विकास हुआ वो अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग हुआ। फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक पक्ष ये भी होता है कि विदेशी कंपनियां आपके देश के अंदर आकर अपने अपने जो ऑफिस होते हैं वो खोलते हैं, वहां पर रोजगार के अवसर देते हैं। तो इस सब कारणों से कुछ क्षेत्रों में ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आईं और वहां पर उन्होंने व्यापार किया, वहां के लोगों को रोजगार मिला, रोजगार से उस क्षेत्र का विकास हो गया, जबकि दूसरा जो हमारे देश का क्षेत्र था वहां पर विकास नहीं हो पाया। तो दोस्तों यही है दूसरा पॉइंट, वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश के सभी हिस्सों में एक समान विकास नहीं होता, यानी कि वो विकास के असमान अवसर उपलब्ध कराता है, इससे हमारे देश के अंदर असमानता फैल जाती है। दोस्तों इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश वाले इस प्रोडक्ट को किसी और दूसरे देश को बेच देते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो यूपी है वहाँ पर इनकम ज़्यादा आएगी, उस देश का विकास ज़्यादा होगा क्योंकि उसका उत्पादन ज़्यादा हुआ था। तो फ्रेंड्स इससे भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से यूपी की जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी और बाकी राज्य पिछड़ जाएंगे। तो एक पक्ष ये भी है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट जो कि कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास के असमान अवसर उपलब्ध कराता है। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो विभिन्न देश हैं उनके बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई है। अब आप मान लीजिए कि एक देश है जिसका नाम है यूएसए या फिर अमेरिका, इसको दो देश अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, ठीक है, सेम प्रोडक्ट दो देश बेचते हैं और दो देशों में एक आता है हमारा चाइना और एक आता है इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंडिया और चाइना है दोनों के बीच कंपटीशन बढ़ गया कि जो यूएसए है उसको प्रोडक्ट मैं बेचूंगा, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, कीमत को तो घटा रहे हैं, इसका फ़ायदा होता है यूएसए को, लेकिन इन दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है और यही कंपटीशन इन दोनों के बीच में टकराव पैदा कर देता है और टकराव के कारण हो सकता है कि आने वाले टाइम में इन दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हो जाए। तो यही है यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो कि कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है। फ्रेंड्स प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है कंपटीशन, तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपटीशन को बढ़ाता है और कंपटीशन बढ़ने के कारण ऐसा हो सकता है कि भविष्य में इन दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हो जाए और इसका एक कारण होगा, एकमात्र कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या लाभ है क्या हानि है, या फिर दूसरे संदर्भ में हमने इसको समझा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा यार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार वो लाइक किए बगैर मत जाना। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की जो कि है पत्तन से रिलेटेड। आ जाते हैं पत्तन पर। आपको दोस्तों मैं सरल शब्दों में समझाना चाहता हूँ पत्तन आखिर होते क्या हैं। चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन पहले। दोस्तों 14वें क्वेश्चन में आप देखेंगे कि पत्तन से आप क्या समझते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कैसे है, कोई चार का। दोस्तों अगर सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो पत्तन एक प्रकार का रेलवे स्टेशन है। जैसे कि रेल का स्टेशन होता है जहां से रेल अपनी यात्रा का आरंभ करती है या खत्म करती है, ठीक उसी तरीके से दोस्तों समुद्री व्यापारिक जहाजों का भी एक स्टेशन होता है जहां से समुद्री व्यापारिक जहाज अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं। दोस्तों यहां पर जो यात्री हैं वो इन जहाज़ों में चढ़ सकते हैं, यात्रियों को जितनी भी मानव श्रम की आवश्यकता है वो यहां से लेबर उनको मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर समुद्री व्यापारिक जहाज रास्ते में है और उसे किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है तो वो इन पोर्ट यानी कि पत्तन से वो सहायताएँ ले सकता है, जैसे कि उसे खाद्य सामग्री चाहिए या फिर जल की आवश्यकता है या फिर उसका ईंधन खत्म हो गया है तो वो वहाँ से ईंधन को भी भरवा सकता है। तो दोस्तों यही होते हैं पत्तन, जिसको या तो पत्तन कहा जाता है या फिर इंग्लिश में पोर्ट कहा जाता है या फिर हम हिंदी में इसका पर्यायवाची बंदरगाह भी इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स वापस आ जाते हैं अपने ही पॉइंट पर कि पत्तन से आप क्या समझते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कैसे है, कोई चार कारण बताइए। दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे पहले बताना है पत्तन क्या होता है। तो पत्तन या पोर्ट का शाब्दिक अर्थ होता है द्वार। अब दोस्तों द्वार को आप हम गेट के नाम से जानते हैं, तो ये एक गेट होता है। किसका गेट होता है, समुद्र और स्थल को आपस में जोड़ने वाले तटीय स्थल।
दोस्तों ये जो तटीय स्थल होता है ये समुद्री जहाजों की यात्रा का एक स्टेशन होता है जिसे हम बंदरगाह भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी परिभाषा को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पत्तन या पोर्ट का शाब्दिक अर्थ होता है द्वार। इस प्रकार पत्तन से अभिप्राय समुद्र तथा स्थल को आपस में जोड़ने वाले एक तटीय स्थल से है। तटीय स्थल मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि समुद्र के जो पास का क्षेत्र होता है उसको तटीय स्थल कहते हैं। जैसे कि इंडिया की जो वी शेप है, ये जो ये वाला है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इनको कहा जाता है पूर्वी और पश्चिमी तट। तो दोस्तों ये होता है पूर्वी तट और ये होता है पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र जो कि समुद्र से लगा हुआ होता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं तटीय स्थल। तो दोस्तों तटीय स्थल है कौन सा? पत्तन, जो क्या करता है, जो समुद्री जहाजों की यात्रा का स्टेशन होता है। यहाँ से समुद्री जहाज अपनी यात्रा को या तो शुरू करते हैं या फिर खत्म करते हैं। कुछ कुछ दोस्तों ये रेलवे स्टेशन की तरह ही होता है लेकिन बना हुआ उससे अलग है। केवल ये मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन और समुद्री जहाजों के स्टेशन में बहुत ज्यादा अंतर होता है, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में भी देखा है। दोस्तों इसके लिए हम एक दूसरा शब्द भी यूज करते हैं जो कि होता है बंदरगाह। तो ये थी पत्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कि पत्तन की परिभाषा। अब देख लेते हैं कि इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं। तो दोस्तों पत्तन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्तन के द्वारा ही जो समुद्री जहाज हैं वो एक देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं, एक देश से दूसरे ओर की देश की ओर यात्रियों को लेके जाते हैं, माल को लेके जाते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार। दोस्तों पत्तन को जो होते हैं वहाँ पर समुद्री जहाज़ों के लिए माल को लादने की भी व्यवस्था की जाती है, माल को उतारने की भी व्यवस्था की जाती है। इसके साथ साथ अगर माल आपने किसी समुद्री जहाज से उतारा है तो उसको आप कहाँ पर रखेंगे, तो उसके भंडारण की भी सुविधा पत्तन द्वारा दी जाती है, इसलिए भी इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों एक और इसका कारण है कि पत्तन के द्वारा आपको जो नौगम्य रखरखाव है उसकी भी व्यवस्था दी जाएगी, यानी कि जो समुद्री जहाज है उनकी जो व्यवस्था है रखरखाव की वो भी आपको पत्तन के द्वारा दी जाती है। इसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट जो है कि आपने एक जहाज को दूसरे देश में लेकर गए और वहां पर माल को उतारना है, तो माल उतारेंगे कैसे, कोई आपको श्रम तो चाहिए ना, यानी कि लेबर चाहिए, तो पत्तन के द्वारा ही आपको लेबर भी मिल जाती है। तो इन कारणों से आपको कह सकते हैं कि पत्तन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार है। तो ये आपको चार कारण लिखने हैं जब क्वेश्चन आना है कि आप कैसे कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार पत्तन है। ओके, चलिए दोस्तों आपको एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि पत्तन जो है वो सैन फ्रांसिस्को का एक विश्व का सबसे बड़ा पत्तन है। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल पत्तन कौन सा है, तो वो हैगा हमारा सैन फ्रांसिस्को का। तो आपको लिखना है सैन फ्रांसिस्को। अब आपको एक मेरे पर छोटा सा एहसान करना है कि आपको सैन फ्रांसिस्को सर्च करना है गूगल मैप में जाकर कि कहाँ पर है, क्योंकि दोस्तों जब भी क्वेश्चन आता है ये कुछ इस तरीके से होगा कि मैप वाला जो 21वां और 22वां क्वेश्चन होता है वहाँ पर लिखा हुआ होगा विश्व का सबसे बड़ा स्थल पत्तन, तो वो आपको लिखना है जैसे कि तीसरे पर है, तो आपको मैप पर जाके उसे भरना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को, तभी तो आप उसको भर पाएंगे। तो ये आप एक मेरे पे छोटा सा एहसान कीजिए कि सैन फ्रांसिस्को को मैप के अंदर जाकर सर्च कीजिए। चलिए दोस्तों अब आते हैं भाई इसके अगले क्वेश्चन पर, जो कि है विभिन्न आधारों पर पत्तनों का वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि तीन आधारों पर विश्व के अंदर पत्तनों को बांटा जाता है। सबसे पहला होता है निपटाए गए नौभार के आधार पर। दोस्तों नौभार के आधार पर को आप कह सकते हो कार्गो हैंडल्ड। तो दोस्तों कार्गो हैंडल्ड यानी कि कौन सा आपने सामान जो है किस तरीके का जो माल है वो निपटाया है, यानी कि किस तरीके का माल उतारा है, उसके आधार पर आप पत्तनों को बांट सकते हो। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला होता है इसके अंदर औद्योगिक पत्तन। जाहिर सी बात है औद्योगिक पत्तन ऐसे पत्तन होते हैं जो उद्योगों के लिए सामान को एक देश से दूसरे देश में लाते हैं या फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाते हैं। तो औद्योगिक पत्तन में क्या होता है कि उद्योगों से रिलेटेड माल होता है, जैसे कि तेल, रसायन, चीनी। दोस्तों रसायन केमिकल को कहा जाता है। तो पहला हो गया निपटाए गए नौभार के आधार पर में औद्योगिक पत्तन। इसके अलावा दोस्तों होता है वाणिज्यिक पत्तन। अब वाणिज्यिक का मतलब होता है कमर्शियल यानी कि व्यापारिक। तो व्यापारिक पत्तन ऐसे पत्तन होते हैं जो वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर
पहुंचाते हैं यानी कि मैनेजमेंट करते हैं, तो वही होते हैं कौन से, व्यापारिक पत्तन यानी कि वाणिज्यिक पत्तन। दोस्तों इसके अलावा तीसरा है यहाँ पर विस्तृत पत्तन। विस्तृत पत्तन मतलब कि जो कि बहुत बड़े पत्तन है, तो ये जो पत्तन है ये अधिक मात्रा में सब चीज़ों का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि नौ, तो जैसे कि संसार के अधिकांश जितने भी पत्तन हैं वो इसी के अंदर आते हैं विस्तृत पत्तन में। विस्तृत पत्तन कुछ तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्तन होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मात्रा में आप सामानों को स्टॉक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर लेबर मिलेगी, बड़े बड़े जहाज यहाँ पर आ सकते हैं। तो यही होते हैं विस्तृत पत्तन, और संसार के अधिकांश पत्तन इसी श्रेणी में आते हैं। तो एक क्वेश्चन हो सकता है एक नंबर का कि संसार के अधिकांश पत्तन किस श्रेणी में आते हैं, तो आपको याद रखना है विस्तृत पत्तन। चलिए चलते हैं दूसरे पर। दूसरा है दोस्तों अवस्थिति के आधार पर, इसको आप कह सकते हो लोकेशन के आधार पर। तो लोकेशन के आधार पर जो यहाँ पर पत्तनों को बांटा जाता है दोस्तों, वो बांटा जाता है दो भागों में। एक होता है यहाँ पर अंतर्देशीय पत्तन और दूसरा होता है बाह्य पत्तन। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर वन की, अंतर्देशीय पत्तन। दोस्तों अंतर्देशीय पत्तन ऐसे पत्तन होते हैं जो कि समुद्री तट से थोड़े दूर स्थित होते हैं और एक नदी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब है एक नदी पर बने हुए होते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ उदाहरण की, तो आप देखेंगे कि राइन नदी पर मैनहिम और भारत की जो कोलकाता है वहां पर हुगली नदी पर बना हुआ है एक पत्तन जो कि है कोलकाता पत्तन। तो वो आप देख सकते हैं भारत में कोलकाता है और राइन नदी पर है मैनहिम। तो ये इसके एक दो एग्जाम्पल हैं जो कि है अंतर्देशीय पत्तन। ऐसे पत्तन होते हैं जो समुद्री तटीय क्षेत्र से थोड़े दूर स्थित होते हैं और एक नदी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर है भैया हुगली नदी। हुगली नदी जो है दोस्तों वो है गंगा की एक शाखा, तो वो आप देख सकते हैं सर्च कर। तो ये है अंतर्देशीय पत्तन। अंतर्देशीय पत्तन में हमने जाना कि ऐसे पत्तन जो समुद्री तटीय क्षेत्र से दूर होते हैं लेकिन एक नदी द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उन्हें बोला जाता है अंतर्देशीय पत्तन। भारत में कोलकाता जो कि कहाँ है, हुगली नदी पर है। दोस्तों दूसरे पर आते हैं, दूसरा है बाह्य पत्तन। बाह्य पत्तन ऐसे पत्तन होते हैं जो समुद्री तटीय क्षेत्र से दूर होते हैं। अब भाई दूर तो ये भी थे, दूर तो ये भी थे, अंतर क्या हुआ? दोस्तों ये जो पत्तन है ये वास्तविक दूर होते हैं, कि जैसे कि ये है भारत का क्षेत्र तो ये पत्तन बना हुआ होगा यहाँ पर, तो इस पत्तन को बोला जाएगा बाह्य पत्तन जो कि तटीय क्षेत्र से बहुत दूर है। अब दोस्तों इसको क्यों बनाया जाता है? कुछ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जहाज होते हैं जो कि यहाँ तटीय क्षेत्र तक नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ तटीय क्षेत्र पर जो जल होता है वो कम होता जाता है, तो जल के कम होने के कारण इस क्षेत्र तक वो नहीं आ सकते हैं बड़े बड़े जहाज। तो इनकी सुविधाओं के लिए एक पत्तन बनाया जाता है जिसे कहा जाता है बाह्य पत्तन। दोस्तों ये बाह्य पत्तन उन्हीं बड़े बड़े जहाज़ों को अपनी सेवाएँ पहुँचाता है जो कि तटीय क्षेत्र तक नहीं पहुँच सकते। तो वो आप यहाँ से इनको एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तो फ्रेंड्स तीसरा प्रकार होता है पत्तनों का जो कि होता है विशेषीकृत कार्यकलापों के आधार पर। तो इसको हम कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन के आधार पर पत्तन यानी कि पोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यही वाला मेन है और यही मेरे को लगता है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है पत्तनों के प्रकार में, जिसमें वो आपसे पूछेगा कि विशेषीकृत कार्यकलापों के आधार पर पत्तनों का वर्गीकरण कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर अपने आप में 5 प्रकार होते हैं, तो इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करते हैं इसके अंदर प्रकारों की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला होता है तेल पत्तन। दोस्तों तेल पत्तन ऐसे पत्तन होते हैं जो कि तेल से रिलेटेड काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये जो पत्तन है वो तेल के नौ परिवहन का कार्य करते हैं। तो दोस्तों जो तेल पत्तन होते हैं वहाँ पर टैंकरों की भी सुविधा होती है कि आप एक जहाज से तेल को उतार कर दूसरे टैंक में भर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो कि होती हैं तेल पत्तन पर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है जो कि है वेनेजुएला में माराकाइबो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका एक एग्जांपल है। चलिए बात करते हैं दूसरे पत्तन की जो कि है मार्ग पत्तन। मार्ग पत्तन दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अगर एक समुद्री व्यापारिक जहाज एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जा रहा है समुद्र के अंदर, तो उसका अगर ईंधन ख़त्म हो जाता है या फिर उसको किसी भी प्रकार की सुविधा चाहिए या फिर वो कहीं पर रुकना चाहता है, कहीं पर अपने जहाज को रोकना चाहता है, तो उसे बोला जाएगा मार्ग पत्तन। जैसे कि मार्ग के अंदर हमारे स्टेशन आते हैं, ठीक उसी तरीके से उसे बोलते हैं मार्ग पत्तन। दोस्तों इसका एक और नाम होता है जो कि होता है विश्राम पत्तन। तो इसको विश्राम पत्तन के नाम से भी जाना जाता है।
तो इन पत्तनों पर जो समुद्री व्यापारिक जहाज होते हैं वो खाद्य सामग्री जल ईंधन भरने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें से एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है जो कि है उदाहरण है होनोलुलु। अब दोस्तों आप याद कीजिए होनोलुलु हमने कहाँ पर पढ़ा था। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ जो कि है सिंगापुर, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों इनमें से एक और मेन है जो कि है पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन का आपका अलग से एक क्वेश्चन आया है, कई बार मैंने देखा है पैकेट स्टेशन क्या वो क्वेश्चन पूछ लेता है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसा कि शुरू से बताता आ रहा हूं, पत्तन एक प्रकार का स्टेशन होता है, तो बस यहां पर वही पत्तन का एक पर्यायवाची यूज़ किया गया स्टेशन। अब दोस्तों यहां पर जो पैकेट है, पैकेट एक स्टेशन का नाम नहीं है। पैकेट जो पहले बोला जाता था वो बोला जाता था समुद्री व्यापारिक जहाज़ों को जो छोटी दूरी के लिए चलते थे, उन्हीं समुद्री व्यापारिक जहाज़ों के नाम पर जो पत्तन बनाए गए उनको पैकेट स्टेशन कहा जाने लगा। तो दोस्तों यही नाम है जिस कारण इसका नाम पड़ गया पैकेट स्टेशन। अब पैकेट स्टेशन में आप देख सकते हैं कि पैकेट स्टेशन छोटी दूरी का एक पत्तन होता है जो छोटी छोटी दूरी पर यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उतारता है या फिर डाक सुविधा को ले जाता है और लाता है। तो वही होते हैं पैकेट स्टेशन के पत्तन। प्राय दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया कि जो पैकेट स्टेशन के जो पत्तन बने हुए हैं वो आमने सामने हैं, यानी कि एक समुद्री क्षेत्र इधर है और एक समुद्री क्षेत्र इधर है, तो एक पत्तन इधर बना हुआ है एक पत्तन इधर बना हुआ है, आमने सामने बने हुए हैं, तो इसी को बोला गया पैकेट स्टेशन। ये छोटी दूरी पर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ भी है एक इसका एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश चैनल को पार करेंगे तो इंग्लैंड में और फ्रांस में यहाँ पर दो पत्तन है वो है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लैंड में आपको मिलता है डोवर और फ्रांस में आपको मिलेगा कैलाइस। तो ये दो पत्तन है जो कि पैकेट स्टेशन का काम करते हैं, यानी कि पैकेट स्टेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ पर कुछ पैकेट स्टेशन के बारे में। तो आप इसको मैं चाहूँगा कि आप एक बार अलग से याद कर लीजिए, इसका क्वेश्चन आ जाता है कि पैकेट स्टेशन से आप क्या समझते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे पर। तीसरा है आंत्रपो पत्तन, या फिर आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं एंटरपोर्ट। तो एंटरपोर्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है वो एंटरपोर्ट क्या है, या फिर आपको इसमें बताना पड़ेगा विशेषीकृत के अंदर क्या होते हैं। तो दोस्तों ऐसे पत्तन होते हैं जो कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं, एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। अब स्थान तो आपके क्षेत्र के अंदर भी हो सकता है, आपके देश के अंदर भी हो सकता है, पर यहाँ पर जो सामान भेजा जाता है वो दूसरे देश के अंदर भेजा जाता है। तो उद्गम हो सकता है उसका आपका देश हो इंडिया, लेकिन उसका जो गंतव्य होगा वो कोई दूसरा देश होगा। अब वो चाहे तो यूएसए हो या रसिया हो या फिर चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, अगर समुद्र के द्वारा एक देश से दूसरे देश के अंदर कोई भी माल भेजा जाएगा तो उसको एंटरपोर्ट कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं और एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आता है लास्ट जो कि है नौसेना पत्तन। नौसेना पत्तन को इंग्लिश में हम नेवी पोर्ट भी बोल सकते हैं। तो नेवी पोर्ट दोस्तों ये व्यापारिक उद्देश्य से नहीं बनाए गए होते हैं, ये देश की सुरक्षा से संबंधित होते हैं, जहाँ पर कि हमारे देश के युद्धक जहाज़ों को रखा जाता है और ये युद्धक जहाज़ों का रखरखाव करते हैं, उनकी मरम्मत की कार्यशालाएं होती हैं यहाँ पर। तो ऐसा ही एक एग्जांपल है भारत के अंदर, तो भारत में वो है कोच्चि। तो भारत में जो कोच्चि पत्तन है वो किस लिए महत्वपूर्ण है, वो भारत की नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भारत के जितने भी युद्धक समुद्री जहाज हैं उनकी मरम्मत का काम किया जाता है और इसके साथ साथ वहाँ पर उनको रखा जाता है। तो दोस्तों ये थे विशेषीकृत कार्यकलापों के आधार पर पत्तन। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए, और इस क्वेश्चन के अंदर या फिर इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया है, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया है, एक बार कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट चाहते हैं या कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से